हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे आपका एक 5 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। ज्यादा मार्क्स इसमें आपके कवर नहीं होंगे अगर आप बीकॉम में ये टॉपिक पढ़ रहे हो, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में अगर आपका ये टॉपिक है तो ज्यादा से ज्यादा आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बट वहीं अगर आपका MNC का पूरा एक चैप्टर है तो उस लिहाज से देखा जाए तो आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है MNC। MNC यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन is one which extend the area of its operation beyond the country in which it is incorporated। yani ki aisi company, aisi organization, aisi aapka corporation jo ki अपने दायरे से, अपने एरिया से बाहर निकल के अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को करती है। और वो एरिया कौन सा है जहां से वो बाहर निकल रही है? वो एरिया जहां पे वो इनकॉर्पोरेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो कि अमेरिका में इनकॉर्पोरेटेड है। मान लीजिए ये अमेरिका है, ठीक है, ये अमेरिका का एरिया है, तो यहाँ पे उसने अपने आप को इनकॉर्पोरेट करवाया। इनकॉर्पोरेट यानी कि इसने अपने आप को अमेरिका में रजिस्टर्ड करवाया। XYZ लिमिटेड कंपनी है, मान लीजिए ये है XYZ कंपनी। अब इसने अपने आप को अमेरिका में रजिस्टर करवा लिया। अब ये अमेरिका का जो एरिया है, यानी जो अमेरिका की सीमा है, उससे बाहर जाकर किसी और देश में, किसी और जगह पे, इंडिया में मान लीजिए, चाइना में मान लीजिए, या पाकिस्तान में मान लीजिए, या किसी भी कंट्री में जाकर के अपने बिजनेस का काम करती है, उसके ऑपरेशंस करती है, अपना वहां पे जाके सेल परचेज कर रही है, या जो उसका बिजनेस है वो वहां पे काम कर रही है। तो यहाँ इस केस में क्या हो गया, ये कंपनी जो है उन कंपनी उस देश के लिए क्या हो गई, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। यानी कि ऐसी कंपनी जो अपने देश से निकल करके बाहर देश में जाकर के अपना काम कर रही है। एक और बात, ऐसा नहीं है कि वो अपने देश में अपना काम बंद कर रही है, नहीं, वो वहां भी काम कर रही है, वो रजिस्टर वहां है, उसका हेड ऑफिस जो मेन है वो वहां है, बट वो दूसरे कंट्रीज में भी जाकर अपना काम सेटअप कर रही है, अपना काम कर रही है, उसके ऑपरेशंस कर रही है, तो वो कहलाती है आपकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन वन कंट्री। इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो लोकेटेड होता है एक कंट्री में, एंड इट कैरीज ऑन ऑपरेशन इन इट्स होम कंट्री। और जो इसका जो ऑपरेशन होता है वो उसकी होम कंट्री में हो रहा होता है, एंड ऑल्सो इन अ नंबर ऑफ फॉरेन कंट्री नॉन एज होस्ट कंट्री। और साथ ही साथ बाकी की कंट्रीज में भी इसका जो है ऑपरेशन चल रहे होते हैं, जिसको कहा जाता है होस्ट कंट्री। तो यहाँ पे दो वर्ड्स आपके लिए निकल के आए हैं, होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री। पहले इनका मतलब देख लीजिए। देखिए, ये हमारा अमेरिका था, हमारा मतलब अमेरिका का ये एरिया है। यहाँ पे ये आपकी कंपनी है XYZ लिमिटेड, जिसने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया है, इस देश में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है। तो जहां पे इसने आपको रजिस्टर करवा रखा है, जहां पे इसके मेन ऑपरेशंस चलते हैं, जहां पे इसका मेन रजिस्टर जो है ऑफिस है, इसका हेडक्वार्टर है इसका, तो ये कंट्री इसकी हो गई होम कंट्री। इस जो कंपनी है इसके लिए हो गई होम कंट्री। और साथ ही साथ दूसरी कंट्री जहां पे जाकर के ये अपना बिजनेस कर रहा है, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे आकर के इसने अपने आप को सेटअप किया, इसने अपने ऑपरेशंस यहाँ पे चालू किए, तो ये कंट्री, हमारी कंट्री, इस जो आपका बिजनेस है इसके लिए हो गई होस्ट कंट्री। यानी कि जहां पे आप जाके अपना काम कर रहे हो अपने देश से बाहर निकल करके। वहीं अगर एक और यहाँ पे कोई देश होता, मान लीजिए कोई भी देश है, श्रीलंका है आपका, बांग्लादेश है आपका, पाकिस्तान है, या कोई भी आपके देश है, 10-12 देश है, वो सारे इसके लिए क्या हो जाएंगे, होस्ट कंट्री। तो ऐसी कंट्री जहां पे वो खुद को रजिस्टर्ड करवा चुका है, जहां उसका मेन ऑफिस है, वो उसकी होती है होम कंट्री, एंड बाकी जो भी कंट्रीज में जाकर के वो अपना ऑपरेशंस कर रहे हैं वो हो जाती है उनके लिए होस्ट कंट्री। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो यहाँ पे बताया है कि हेड ऑफिस जो उनका हेडक्वार्टर होता है वो लोकेटेड होता है एक कंट्री में, एंड उसके जितने भी ऑपरेशंस वहां चल रहे होते हैं उस कंट्री को कहा जाता है होम कंट्री, और बाकी जहां पे उनके ऑपरेशंस चल रहे होते हैं वो होती है उनकी होस्ट कंट्री। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं जहां पे आपको पता चलेगा कौन सी कंपनी कहाँ की है। फॉरेन मल्टीनेशनल्स यानी कि ऐसी कंपनीज जो हमारे इंडिया के नहीं है, बाहर की है, वो है कैडबरी, जो कि यूके में रजिस्टर्ड है,
पीएनजी जो कि यूएसए में रजिस्टर्ड है, सुजुकी विच इज रजिस्टर्ड इन जापान, सोनी कॉर्पोरेशन विच इज ऑल्सो रजिस्टर्ड इन जापान। अब इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने एक और कंपनी जो है अपने सब्सिडरी बना रखी है जो कि इंडिया में काम करती है। सब्सिडरी कंपनी आई होप आपको पता हो क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो हमने एक टाइप्स ऑफ कंपनी का जो था टॉपिक किया था, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैडबरी जो है, हमारे इंडिया में आपने सुना होगा कैडबरी इंडिया, ये हमारे इंडिया में एक कंपनी है कैडबरी इंडिया जो कि क्या है, एक सब्सिडरी कंपनी है ऑफ कैडबरी जो कि यूके में रजिस्टर्ड है उसकी। साथ ही साथ पीएनजी इंडिया जो है वो सब्सिडरी है। सुजुकी नहीं सुना होगा आपने, हमारे देश में सुना होगा मारुति सुजुकी, क्योंकि हमारे इंडिया में ये मारुति सुजुकी है जो कि सब्सिडरी है ऑफ सुजुकी कंपनी। और वहीं पे सोनी इंडिया नाम से हमारे देश में जो है वो कंपनी है जो कि क्या है, एक सब्सिडरी है सोनी कॉर्पोरेशन की। तो इस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं, या तो वो सब्सिडरी ले लेती हैं, सब्सिडरी बना लेती हैं, या किसी और कंपनी जो ऑलरेडी चल रही होती है मार्केट में, अच्छा काम कर रही होती है, उनको जो है एक्वायर कर लेती हैं, उनमें जो है इन्वेस्टमेंट कर लेती हैं और उनको एज ए सब्सिडरी बना लेती हैं। A company that is engaged only in exporting its product to so many countries cannot be called a multinational. अच्छा, multinational company कौन सी होती है ये तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, बट कौन सी नहीं होती उसका भी थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। देखिए, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है XYZ पेपर लिमिटेड। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये जो रजिस्टर्ड है इनके पेपर बनाती हूँ, या जो बुक्स होते हैं उनके लिए पेपर जो है वो मैं बनाती हूँ। तो ये जो मेरी कंपनी है ये क्या करती है, ये दूसरे कई देशों में, अमेरिका में ले लीजिए, ठीक है, जर्मनी में ले लीजिए, जापान में ले लीजिए, इन सब कंट्रीज को क्या है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपना माल वहां पे बेचते हैं, हम अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं इन कंट्रीज को। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट हो रहा है, मेरे बिजनेस जो है इन कंट्रीज में नहीं चल रहे, सिर्फ और सिर्फ मैं अपना माल यहाँ बेच रही हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरी जो कंपनी है वो मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, नहीं, उसके लिए आपको अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने पड़ेंगे दूसरी कंट्री में। तो एक ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आपको कोई जो है ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पे मल्टीपल चॉइस होती है, तो वहां पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या एक्सपोर्ट करने से भी आपकी मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती है, स्टेटस मिल जाता है, तो नहीं। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमएनसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक कि इसका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई एमएनसी, कोई ऐसी कंपनी जो अपने देश में भी एस्टैब्लिश है और साथ ही साथ दूसरे जो है देश में भी जाकर के अपना काम कर रही है, तो उसके पास कितनी सारी एसेट होंगी। ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपनी गली रुक्कड़ पे एक छोटी सी कंपनी बनाई और मैं उसको कहीं और जाके भी ऑपरेशन कर सकती हूँ किसी और कंट्री में, नहीं, उसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है, उतनी एसेट्स चाहिए होती है। तो इसीलिए एमएनसी के पास बहुत ज्यादा एसेट्स होती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उनके पास जो है उनकी सेल हो रही होती है। तो इसका जो साइज होता है, जो इसके ऑपरेशन के साइज होते हैं, वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। नेक्स्ट वन इज योर इंटरनेशनल ऑपरेशंस। ऑब्वियसली मल्टीनेशनल कंपनी आपकी तभी बनती है जब आप एक कंट्री में ना रह करके दूसरे कई कंट्रीज में जाते हो, वहां अपने ऑपरेशंस करते हो। तो इंटरनेशनल ऑपरेशन होने के बाद ही आपको मल्टीनेशनल कंपनी का स्टेटस मिलता है। सो जो दूसरा आपका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है इंटरनेशनल ऑपरेशंस, कि एमएनसी में आपके जो ऑपरेशंस होते हैं वो इंटरनेशनली होते हैं, एक कंट्री में नहीं होते, कई कंट्रियों में होते हैं, और कई कंट्रियों में जो आपकी ब्रांचेस हैं उनके बीच में भी होते हैं। इट ऑपरेट्स इन मेनी कंट्रीज, रन ऑपरेशन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज इन होस्ट कंट्री। नेक्स्ट वन इज योर सेंट्रलाइज्ड कंपनी। इसका मतलब क्या है, कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड ओवर द ब्रांचेस एंड सब्सिडरी थ्रू इट्स हेडक्वार्टर, यानी कि जो इसका हेडक्वार्टर है उसके तहत ही उसके सारे ब्रांचेस जो अलग अलग कंट्री में है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर कंट्रोल करते हैं, उस पर ये ध्यान रखते हैं। तो ये सेंट्रलाइज होती है, जैसे आप देख लीजिए गूगल का हेडक्वार्टर, जहां पे गूगल का हेडक्वार्टर है वहां से वो सारे गूगल्स के अपने जो ऑफिस हैं इंडिया में हो गए या जितने भी कंट्रीज में हो गए, वहां पे वो क्या करते हैं, अपना सारा कंट्रोल करते हैं, क्या चीजें हो रही हैं वो सब उनको नजर रखते हैं। ओलिगोपोलिस्टिक पावर, इसका मतलब क्या है, इट एक्वायर्स अ ह्यूज इकोनॉमिक पावर ड्यू टू एक्विजिशन एंड मर्जर ऑफ अदर फर्म। देखिए, एमएनसी जब एक कंट्री में आपकी कोई और कंपनी आ रही है, कोई बहुत बड़ी कंपनी आ रही है, तो वो क्या करेगी, वो क्या हो सकता है कि वो दूसरी किसी कंपनी को एक्वायर कर रही होगी।
या फिर उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही होगी। इसका मतलब क्या है कि एक इकोनॉमिक का जो बहुत ज्यादा पावर है वो उनके पास चला जाता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री अब बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है हमारे देश में, उसने काफी ज्यादा इकोनॉमिकली उसके पास बहुत पावर हो चुकी है। तो अगर कोई ऐसी कंपनी आती है जो बहुत बड़ी है, बाहर किसी देश से आती है और रिलायंस को ही एक्वायर कर लेती है, साथ साथ दो तीन कंपनीज और एक्वायर कर लेती है अपना बिजनेस रन करने के लिए, तो आप सोचिए कि उसके पास मार्केट की जो पावर होगी वो कितनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है या किसी और के साथ मर्ज कर लिया है अपने आप को या अपनी कंपनी को। तो इसलिए ओलिगोपोलिस्टिक पावर हो जाती है, एक अकेली पावर उनके पास चली जाती है। कलेक्टिव ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूड टेक्निकल नो हाउ, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल मैनेजमेंट और एक्सपर्टाइज एक्सेट्रा। अब ऐसी कोई कंपनी है जैसे जापान में आपका जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छा माना जाता है कि टेक्नोलॉजी में वो लोग बहुत बेटर कर रहे हैं, वहीं अगर जापान से कोई ऐसी कंपनी आ जाए जो कि बहुत बेटर है अपनी टेक्नोलॉजी में, तो इंडिया में आकर के वो क्या करेंगे, वो अपनी जो ट्रांसफर है रिसोर्सेज का वो क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे अपने रिसोर्सेज को लिए, उनको जो टेक्निक्स है वो कैसे यूज करनी है, न्यू मशीन एंड इक्विपमेंट्स वो यहाँ लेके आएंगे ताकि उनको और ज्यादा बेटर जो है प्रोडक्शन कर सके और ज्यादा बेटर उसका तरीके से इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट वन इज योर इंटरनेशनल मार्केट। अब ऑब्वियसली एक कंट्री से जब आप दूसरी कंट्री में अपना सामान बेच रहे हो, अपने ऑपरेशंस कर रहे हो, अपने काम कर रहे हो, तो आपके पास जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि आपको एक इंटरनेशनल मार्केट मिल जाती है। अगर कोई और कंपनी हमारे देश में आ रही है तो उसको एक इंटरनेशनल मार्केट मिलेगी, यानी कि किसी और कंट्री की मार्केट आपको मिल रही है, तो उस सिचुएशन में आपका मार्केट का एरिया बढ़ जाता है। अब आ जाइए रोल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एमएनसी पे, आखिर एमएनसी क्यों जरूरी है। तो एमएनसी आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि पहला पॉइंट ऑफ व्यू है होस्ट कंट्री, यानी कि जिस कंट्री में वो कंपनी आ रही है, हमारे इंडिया है, हमारे इंडिया में कोई जापान से जो है कंपनी आ रही है तो हम हो गए होस्ट कंट्री उस कंपनी के लिए। तो हमारे नजरिए से उस एमएनसी का, उस कंपनी का क्या बेनिफिट होगा, एक ये, और साथ ही साथ एक होम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जापान की अगर कंपनी है तो जापान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या फायदा होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर उस कंपनी के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे कंट्री में अभी तक नहीं आई है, तो एक फायदा हमें ये होगा कि वो कंपनी जब आएगी तो अपने साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजीज भी लेके आएगी, ताकि हमारे देश की जो भी मैन पावर है उसको यूज कर सके और अपने पास यानी कि जो उनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको यूज कर सके, दोनों को कंबाइन करके वो एक अच्छा प्रोडक्शन कर सके, एक अच्छा जो है मार्केट अपने लिए बना सके। तो इसलिए ट्रांसफर ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज फॉरेन कैपिटल। अब हमारी कंट्री है इंडिया, अगर इंडिया में कोई जापान से आ रही है या चाइना से, चलिए चाइना तो छोड़ ही दीजिए, जापान से आ रही है, अमेरिका से आ रही है या किसी भी कोई और कंट्री से आ रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारी कंट्री में फॉरेन कैपिटल आएगा, क्योंकि वो लोग अगर आएंगे तो वो अपना पैसा लेकर आएंगे, एसेट लेकर आएंगे, या फिर वो एक्वायर करेंगे तो भी उनको पेमेंट करना पड़ेगा, इन शॉर्ट कि वो अपने जेब से पैसा निकालेंगे ही निकालेंगे, हमारी कंट्री में डालेंगे तभी वो अपना काम कर पाएंगे। तो जब वो ऐसा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फॉरेन कैपिटल, जो कि हमारे पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ हमारे ट्रेड के लिए भी अच्छा है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आजकल बात होती है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गया है, तो लोग कहते हैं कि आप FDI लाइए, आप फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो करवाइए या कंपनीज लेकर आइए, तो वो इसलिए कहा जाता है कि जितनी कंपनीज आएंगी लोगों को ऑप्शन मिलेगा काम करने का, लोग काम कर सकेंगे, क्योंकि अगर एक कंपनी सेटअप होती है तो उनको चाहिए होते हैं काम करने के लिए लोग, चाहे वो आपके बिल्कुल लो लेवल के हों या फिर उनके हाई लेवल तक के हों, CEO तक के हों, तो वहाँ पे आपको चाहिए होगी मैन पावर, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एक्सपोर्ट, अब कंपनी आएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में अगर कोई कंपनी आ रही है तो वो इंडिया में ही काम करेगी, इंडिया में ही सामान बेचेगी। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे किसी कंट्री ने लॉ बना दिया कि हम जो है इस पर्टिकुलर जो मान लो चाइना है, हमने बोल दिया कि अब हम चाइना से सामान नहीं खरीदेंगे, हम उनसे अब कुछ भी इम्पोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम एक ऐसी कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं जो कि चाइना का फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो चाइना क्या कर सकता है, अब चाइना करेगा कि उस कंट्री में अपना एक सब्सिडरी ले लेगा और उस सब्सिडरी के थ्रू वो हमारे देश में अपना सामान बेच रहा होगा। तो इस तरीके से भी कई बार क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए भी कई कंपनियां ऐसा कर लेती हैं कि जो है
इन्वेस्टमेंट करती हैं ताकि वो और ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके, किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर सके। तो अगर ऐसा होता है, यानी MNC हमारे देश में कोई आती है और वो प्रोडक्शन करती है, तो वो ना ही सिर्फ हमारे देश में सामान बेचेगी, साथ ही साथ जो हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारा अच्छा संबंध होगा, उनको भी वो एक्सपोर्ट करेगी, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा इसके तहत। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, MNC में देखिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट किया जाता है क्योंकि वहाँ पे एक जो ये है इंटरनेशनल लेवल पे काम चल रहा होता है, तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनली होते हैं काम करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जाती है। नेक्स्ट वन इज सपोर्ट टू एनिक्लेरी इंडस्ट्रीज, जो आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट मिलता है। हेल्दी कॉम्पिटिशन बढ़ता है, हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है। देखिए मान लीजिए हम ऑलरेडी बहुत ही सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे हम नॉर्मल ट्यूशन में पढ़ने जाते थे तो 10 बच्चे पढ़ रहे होते थे, एक नया बच्चा अगर एडमिशन लेके लेने आता है, हमें पता चलता है यार ये तो बहुत स्मार्ट बच्चा है, ये तो पहले से बहुत कुछ जानता है, तो इसके साथ अब क्या हो जाता है कि अब हमें अच्छे नंबर लाने होंगे, हमें भी टेस्ट में मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो क्या है, कॉम्पिटिशन बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे एक और चीज, एक और व्यक्ति आया है या एक और कंपनी आई है, तो वो क्या है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो अब हमें भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तो ये कंपटीशन बढ़ाता है और हेल्दी कंपटीशन बढ़ाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन कंपनीज की ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए इनके लिए भी हमारे कंट्री में आकर के जो वो डेवलपमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके तहत भी हमें बहुत फायदा मिल जाता है। अब बात करते हैं होम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैन अर्न ह्यूज रेवेन्यू। अगर मैं सिर्फ अपने देश में काम कर रही हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर लेवल तक ही, एक मार्क तक ही, बेंच मार्क तक ही अपना अर्न कर सकती हूँ। अगर मैं कुछ मान लीजिए सिगरेट बेचना चाह रही हूँ या फिर मैं जो है कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचना चाह रही हूँ, तो मेरे इंडिया में जितने उस चीज़ को कंज्यूम करने वाले हैं वो उतना ही कंज्यूम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मुझे उनको और ज़्यादा सामान बेचना है तो मैं ऐसा नहीं कर सकती ज़बरदस्ती उनको पकड़ा दूँ, नहीं, उनको जितना कंजम्पशन करना है वो उतना ही खरीदेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं और कंट्रीज में जाऊंगी, उस प्रोडक्ट के लिए और ज्यादा कंज्यूमर ढूंढूंगी, तो उससे क्या होगा, मेरा रिवेन्यू बढ़ जाएगा। तो मैं जैसे जैसे अपना जो कंपनी है किसी और कंट्री में जाके सेटअप करूंगी तो इससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मुझे रिवेन्यू मिलेगा। नेक्स्ट वन इज प्रोक्योर चीपर रॉ मटेरियल। देखिए अब जब आपको पता होगा इंडिया में जो है रॉ मटेरियल अगर देखा जाए या फिर मैन पावर देखी जाए वो चीप है, यानी कि थोड़ी सस्ती है कंपेयर टू मेनी कंट्रीज, तो वो लोग इसलिए भी आते हैं कि उनको जो है मैन पावर थोड़ा सस्ते में मिल जाता है, रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाता है, तो इससे उनको फायदा होता है, उनका जो प्रॉफिट की दर होती है वो बढ़ जाती है। तो होम कंट्री के लिए क्या होगा, उनकी प्रॉफिट की दर बढ़ जाएगी, उनको सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा होगा। इट कैन वाइडन इट्स मार्केट, मार्केट बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली एक कंट्री में आप कितनी मार्केट रखोगे ज्यादा से ज्यादा, तो जैसे जैसे आप अपनी कंट्रीज बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप अलग अलग कंट्रीज में अपनी कंपनी खोलोगे, वैसे वैसे आपकी मार्केट भी इंक्रीज होगी। यूटिलाइज इट्स टैलेंट इन अदर कंट्री, और दूसरी जिन कंट्रीज में आपका टैलेंट है उनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, अपनी कंपनी के लिए यूज कर सकते हो, उनसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब बात करते हैं इविल्स ऑफ MNC। कई बार आपने सुना होगा पॉलिटिशियंस जो कहते हैं कि ये ऐसी कंपनीज ला रहे हैं, ये इतनी कंपनीज ला रहे हैं पर उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, वो तो पैसा लेके जा रहे हैं, टाइप्स चीजें चलती रहती हैं। तो ये क्यों बोली जाती है, क्योंकि MNC का जितना फायदा है उसके तहत उसके कुछ नुकसान भी होते हैं हमारी कंपनी को, जैसे डिसरिगार्ड ऑफ नेशनल गोल्स। अगर हमारा नेशनल गोल कुछ और है पर कंपनी का गोल कुछ और है तो वो कई बार मैच नहीं करते हैं। उनका गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना, बट जो हमारा देश है उसका जो गोल होगा वो हो सकता है कि वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं। हम वो सोच सकते हैं कि भले ही थोड़ी सैलरी कम हो जाए पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, तो उस केस में क्या होगा, क्या वो सेम रह सकता है, नहीं हो सकता है, वो उसका नेशनल जो गोल है दूसरी जिस कंट्री में वो गए हैं उसका जो गोल है वो डिसरिगार्ड कर रहे हों। ग्रोथ ऑफ मोनोपोलिस, अब इनके पास इतना सारा एसेट होता है, ये कोई बड़ी बड़ी कंपनीज को एक्वायर कर लेते हैं, तो जो ये एक मार्केट में किसी एक ही पर्सन की जो चल रही होती है उसको बढ़ावा देते हैं। जैसे रिलायंस मान लो, अब रिलायंस आते ही काफी सारे जो मोबाइल्स की जो नेटवर्क्स थी वो थोड़ी बहुत कम होने लग गई। अब नॉर्मली देखा जाए तो एयरटेल बचा है, वोडा और आइडिया का जो कंबाइन हुआ है वो बचा है,
एनजीओ बचा है, बाकी सारी चीजें इतनी बंद हो गई है या फिर बहुत ज्यादा नहीं पता अब लोगों को। तो इसका मतलब क्या है, मोनोपोली आती जा रही है कहीं ना कहीं, कि सिर्फ एक ही कंपनी सरवाइव कर रही है, बाकी सारी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वैसे ही मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कोई और कंपनी आके अब रिलायंस को भी एक्वायर कर लेती है, एयरटेल को भी एक्वायर कर लेती है, दोनों का एक्वायर कर लेती है और बना देती है कोई और कंपनी, तो इससे क्या होगा, मोनोपोली बढ़ती जाएगी, मोनोपोली को बढ़ाने की तरफ ये ले जाएंगे। नेक्स्ट वन इज योर फेलियर टू डेवलप लोकल स्किल। अब जो लोकल स्किल होती है, जैसे अभी आपने देखा होगा हमारी चल रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें लोगों को उनकी लोकल स्किल सिखाई जाती है, लेकिन एमएनसी में ऐसा नहीं होता। एमएनसी वाले सिर्फ वही लोगों को लेते हैं जिनके पास ऑलरेडी स्किल्स होती हैं, वो उनको लोकली जो छोटी मोटी स्किल्स होती है वो सिखाते नहीं है, वो उनको में डेवलप नहीं करते हैं। कॉम्पिटिशन विद होम इंडस्ट्री। अब देखिए कोई एमएनसी आती है तो कहीं ना कहीं हमारी होम इंडस्ट्री, जो हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे देश की कंपनीज हैं, उनको कंपटीशन मिलता है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको हेल्दी कंपटीशन ही मिल रहा हो सकता है वो आपसे भी कम प्राइस में प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो इससे आपका जो कॉम्पिटिशन है वो बढ़ जाता है। कंज्यूमर गुड्स फॉर हायर इनकम ग्रुप्स। देखिए जो एमएनसी होती है वो मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि ज़्यादा कमाई वाले लोगों के लिए होते हैं, अमीर लोगों के लिए होते हैं, या मिडिल क्लास से ज़्यादा जो लेवल के होते हैं उनके लिए होते हैं, ये नॉर्मली बोला जाता है। जैसे अभी टेस्ला, मान लीजिए टेस्ला न्यूज़ आ रही थी कि टेस्ला भी अब हमारे देश में जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कुछ करेगा, वो उस किसी कंपनी के साथ तो जो है वो मिल करके इलेक्ट्रिक कार्स जो यहाँ पे होगा उसको लॉन्च करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये प्रोडक्ट है वो क्या है, वो सिर्फ ज्यादा इनकम वाले लोगों के लिए है। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जो ज्यादा इनकम वाले लोग होते हैं उनके लिए ही गुड्स ये एमएनसीज लेके आती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज योर डेप्लिटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए हमारी कंट्री में कोई बाहर से जो कंपनी आ रही है उसको कोई लेना देना नहीं है कि हमारी कंट्री में कितना रिसोर्सेज बचा है, ये रिन्यूएबल नहीं है, ये जल्दी नहीं बनते, इनको टाइम लगता है, वो सिर्फ उसको यूज करेंगे फटाफट ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। मान लीजिए कोयला से रिलेटेड कुछ वो काम करना चाह रहे हैं तो वो कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके उनको मिल जाए, उनको इससे लेना देना नहीं है कि वो जो रिसोर्सेज है उसको बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज ये बहुत ज्यादा जल्दी यूज करते हैं और इसको एक बहुत बड़े लेवल पे यूज कर रहे होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जिसमें हमने देखा कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होती है, कुछ एग्जाम्पल देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, बेनिफिट्स हमने पढ़े फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होस्ट कंट्री एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द होम कंट्री, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द इविल्स ऑफ एमएनसीज। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया हो। कोई भी इश्यू है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।